अपर्णा जैन लखनऊ से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रही हैं हे गुरुदेव देव, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु ये है, कौन सा क्रम सही है कृपया समाधान करें हम सभी लोग देव पूजा करते हैं प्रतिदिन जनालय में जाकर के और प्रथम पूजा ही हम लोग देवशास्त्र गुरु की करते हैं बोलने में कभी देव गुरु शास्त्र आ जाता है गुरु जो है 30 नंबर में है पहले नंबर में देव है अरहंत देव हमने मंदिर में किन को विराजमान किया है अरहंत देव कोन किया है शमो शरण से युक्त जो है वैभव से युक्त हैं जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं जो 46 मूल गुणों से युक्त हैं ऐसे हमने अरहंत परमात्मा को विराजमान किया है और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए और हम भी उनको देखकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ें इसके लिए हमने विराजमान किया है उनकी वीतरागता उनकी छवि हमको दिखे इस भावना से हमने नमस्कार किया है और विराजमान किया है तो पहले देव अरहंत देव और अरहंत देव समोषण में क्या करते हैं क्या खिरती है उनकी तो वाणी खिरती है दिव्य ध्वनि और वह दिव्य ध्वनि के प्रतीक स्वरूप में शास्त्र को हम विराजमान करते हैं शास्त्र की वेदी अलग होना चाहिए ठीक है ना देव अरहंत देव की वेदी अलग हो और शास्त्र की जो विधि है वो अलग रूप से होना चाहिए जिनके लिए हम पढ़ते हैं शास्त्र में सिद्धांत करणान योग चरणान योग द्रव्य अनुयोग चारों अनुयोग होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक अनियोग द्रव्य अनियोग रख लिया और ये हमारी हो होगी चारों अनियोगों के प्रतीक स्वरूप शास्त्र वहाँ होना चाहिए और वहाँ पर हम जो हैं चार बार दाने चावल चढ़ा करके पुंज से कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्य अनुग प्रथम अनुयोग करके हम इस प्रकार से चढ़ाते हैं भगवान अरहंत के सामने हम जो हैं अपने अनंत चतुष्ट के प्रतीक स्वरूप अथवा पंच परमेटी प्रतीक स्वरूप क्योंकि उन्होंने साधु पद पहले ग्रहण किया था वो उनके हम सारे पदों को नमस्कार करते हुए पंच जो है पुंज के हम चावल वहां पर चढ़ाते हैं और गुरु का जो है वेदी वो अलग होना चाहिए हम गुरु की स्थापना करते हैं उसमें आचारोपाध्याय है और साधु नव देवताओं की हम एक ही सिंगल प्रतिमा बना लेते हैं तो उसमें सब आ जाते हैं देव शास्त्र गुरु सब कुछ आ जाते हैं तो इस प्रकार से कि देव और देव की वाणी जो शास्त्र और उनके बाद गुरु ये है देव शास्त्र गुरु का क्रम देव गुरु शास्त्र नहीं कि देव भगवान और गुरु ने लिख दिया और शास्त्र बन गया ऐसे नहीं देव शास्त्र और गुरु इस प्रकार से यह क्रम जानना चाहिए और हमें सबसे पहले जो पूजा है देव शास्त्र गुरु की करना चाहिए नमोस्तु आचार्य श्री ब्रह्मचारी सुरेंद्र भैया जबलपुर से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव मैं बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ लेकिन मुझे सैन के बिस्तरों के अलावा किसी दूसरे के बिस्तर और चटाई आदि का उपयोग करना चाहिए या नहीं कृपया समाधान करें ब्रह्मचर्य हमारा व्रत है तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ही वस्त्र होना चाहिए और अपने ही चटाई होना चाहिए जिसका हम शोधन कर सकें जिसमें हम देख सकें किसी प्रकार का कोई जीव जंतु आदि ना हो किसी के शयन में जाकर के हमें लेटना नहीं चाहिए और ना ही उसमें बैठना चाहिए और खासकर श्रावकों के जैसे श्रावक जिसमें सोफा सेट है श्रावक का बैठने का श्रावक के जो गद्दे होते हैं उनमें कभी भी ब्रह्मचारियों को जिनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए दूसरे के शयन में जाकर के नहीं शयन करना चाहिए ना ही उसमें बैठना चाहिए और भी इस प्रकार के जो चादर आदि हैं जिसमें किसी प्रकार की स्त्रियां आदि बनी होती हैं भाव हावलास आदि बने होते हैं उनमें भी बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो अपना ही बैठने का आसन होना चाहिए और अपने ही वस्त्र आदि होना चाहिए क्योंकि हमारे जो भाव हैं भाव बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अपने भावों को निर्मल बनाए रखने के लिए हमें सात्विक वस्त्र सात्विक चटाई और सात्विक हमारा स्वयं का आसन होना चाहिए नमस्ते चार श्री श्रीमान रूपेश कुमार जैन टीकमगढ़ से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव मैं तीर्थंकर बनू ऐसी ऐसी भावना क्या निदान की कोटी में आती है समाधान करें निदान की जहाँ जहाँ परिभाषा पढ़ते हैं उसमें यही लिखा होता है कि आगामी काल में इंद्रिय सुखों की भाना, इंद्रिय सुखों की इच्छा करना उसे निदान कहते हैं तो यदि हमारे इंद्रिय सुखों की यदि वांछा है जैसे इंद्र पद प्राप्त करना तो इंद्रपद क्यों प्राप्त करना हमें बड़ा इंद्रपद मिल जाए क्यों क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत सारी देवी देवता मिलेंगे भोग के साधन मिलेंगे सुख के साधन मिलेंगे मैं सुख में मग्न रहूँगा मैं दुखी नहीं रहूँगा अच्छा शरीर मिलेगा सुंदर शरीर मिलेगा तो इस प्रकार की भावना है, तो वो निदान कहलाएगा ठीक है ना मैं चक्रवर्ती बन जाऊं तो चक्रवर्ती बन के क्या होगा इतनी सारी रानियां छियानवे हजार रानियाँ इतना महल सठ खंड का अधिपति भोग विषय सब कुछ प्राप्त होंगे इसलिए चक्रवर्ती बन जाऊं तो ये निदान कहलाएगा और आपको पता भी होगा कि चक्रवर्ती और चक्रवर्ती पद जो है वो निदान से ही मिलता है जो बहुत कठोर साधना करते हैं मुनिराज और वो अंतिम समय में निदान का भाव कर लेते हैं तो उनको यह पद की प्राप्ति हो जाती है अगले भाव में तो निदान जो है ये तीर्थंकर पद का भी आप निदान बांध रहे हैं कैसा निदान बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तीर्थंकर बनूंगा तो देखो मेरा गर्भ कल्याणक होगा और मेरा जन्म कल्याणक होगा पांडव ले जाया जाएगा ये सुख मिलेगा तो आचार्य ज्ञानार्ण शुभचंद्र स्वामी ने कहा है कि पुण्य के आचरण से तीर्थंकर प्रगति का बंद बांधने का जो भाव है निदान रूप में वो भी निदान में लेना है ठीक है ना तो तीर्थंकर का पद हो कोई सा भी पद हो और उस पद के माध्यम से इंद्रिय सुख की बांछा भाई जाती है तो वह नियम से निदान कोटि में आता है लेकिन हाँ शिव कोटि आचार्य भगवान ने जहां मोक्ष की भावना है मोक्ष की भावना इंद्रिय सुख नहीं है मुझे शरीर मिले ये भावना नहीं है मेरे लिए क्या बोलते कि भोग विलास मिले ये भावना नहीं है मोक्ष में तो क्या है हमारे समस्त कर्म की निजरा हो तो दुखक हो कमक हो बोहिला हो बो, समाही मरणम ये जो भावना ये भावना जो है वो निदान की भावना नहीं है ये भावना तो कर्म क्षय करने की भावना है इंद्रिय सुख की भावना नहीं है तो जहां आगामी काल में इंद्रिय सुख की जहां भी भावना आएगी वो निदान की कोटि में लेना और ये भी ध्यान रखना कोई तीर्थंकर पद का भाव रखे कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं ऐसा भाव रखे तो वो कभी बन ही नहीं सकता सोलह कर्ण भावना का जो भाव भाता रहेगा तो वो तीर्थंकर बन जाए भले लेकिन तीर्थंकर मैं बनू ये तपस्या से इस साधना से इस धर्म से ये करने से तो वो कभी नहीं बन सकता है तो ये इस प्रकार से हमारी परम विशुद्धि होती है अपने सौमेव की और अटूट श्रद्धान हुआ करता है तो अपने आप ही ये पद की प्राप्ति हो जाती है तो निदान आप समझ गए होंगे कि इंद्र सुख की भावना भाना निदान है और जहाँ अत सुख की भावना भाते हैं वो उसको निदान की कोटी में नहीं रखा सभी को सादर जय जींद्र जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है तो आपको अवश्य किया जाएगा कृपया अपनी शंका नीचे दिए नंबर पर भेजें जय जिनेन्द्र